जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर कि शुक्र अब तक स्वराशि में थे और अब वो अब अपने मित्र बुध के घर में यानी मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि शुक्रदेव आने वाले समय में यदि हम देखें तो 2 मई से लेकर 30 मई तक मिथुन राशि में रहेंगे। अब शुक्र बुध की राशि में अधिकतर जब भी जाते हैं तो अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं क्योंकि ये उनके मित्र का घर है। फिर भी वीडियो के शुरुआत करने से पहले डायरेक्ट राशिफल को ही बताते से पहले मैं आपको ये जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि आखिर ये शुक्र मिथुन राशि में जाकर करेंगे क्या, इनका भ्रमण 28 दिन में किन किन नक्षत्रों में होगा, उसका आपके जीवन पर क्या इफेक्ट आने वाला है और फिर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि आपको ये एक्चुअल एग्जैक्टली होता क्या है और इससे क्या रिजल्ट मिलते हैं और ऐसा क्यों है तो आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट अपनी राशिफल भी देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी राशि से हम ये जानेंगे कि शुक्र आपकी राशि से किस भाव के अंदर चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि वो प्लैनेट कौन है जो राशि परिवर्तन कर रहा है। वो राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह शुक्र है और शुक्र क्या होता है, शुक्र को काल पुरुष का दूसरा और सातवां घर कहा गया। यदि अगर देखा जाए सुख सुविधा भौतिक सुख संसाधन विवाह का कारक, सुख सौंदर्य का कारक, जीवन में खुशियों का कारक, वैवाहिक जीवन की ब्यूटी का कारक ग्रह शुक्र है। कोई भी लग्जरी चीज, कोई भी सुंदरता और कोई भी आकर्षण बिना शुक्र के अधूरा है। और शुक्र ग्रह जब जब ब्रह्मांड में अच्छी स्थितियों में होता है तो समझ लीजिए हर व्यक्ति विशेष के जीवन में शुक्र से संबंधित अच्छी स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहती है। अब शुक्र को फाइनेंस का कारक कहा गया क्योंकि काल पुरुष में ये दूसरे घर से संबंधित होता है। जिस प्रकार से बृहस्पति आचार्य हैं उसी प्रकार से शुक्र भी दैत्यों के आचार्य हैं, तो दोनों आचार्य ही कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी इनके भीतर नहीं है, इनके अंदर अवश्य ही कला है, कला में ये निपुण है। अब ऐसा एक शुक्र ग्रह मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करता है जो कि बुध की राशि है। अब बुध वाणिज्य के कारक हैं, लेखा जोखा का कारक है, जहाँ अकाउंटेंसी आती है, जहाँ भाषा शैली का प्रयोग होता है, जहाँ टीचिंग लाइंस आती हैं, जहाँ लोगों से डीलिंग आती है, आपका काम सारा ऐसा जिसमें आप बोलने का काम ज्यादा करते हैं वहां बुध आपको मिलेगा। अब बुध तीसरे 3 नंबर की राशि यानी मिथुन में आता है, तीसरा नंबर है कम्युनिकेशन का, यानी शुक्र अब कम्युनिकेशन के राशि में जाएंगे। अगर धन कमाना है तो कम्युनिकेशन के रूप में जाना पड़ेगा, धन कमाना है तो अपने आप को लोगों के बीच में लाना पड़ेगा, धन कमाना है तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में अपने आप को दर्शाना पड़ेगा कि भी मेरे भीतर इतनी काबिलियत है या मैं ये सब चीजें गुण अपने भीतर रखता हूँ। क्योंकि 3 नंबर की राशि वायु तत्व राशि है तो जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होगा उतना अच्छा। ये समय आपके मन में पैसा कमाने के लिए नए नए आइडियाज देगा क्योंकि शुक्र धन का कारक और धन का कारक मिथुन राशि के अंदर जा रहा है। मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि है, यानी विचार बहुत सारे आने वाले समय में आपके जीवन में कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्या किया जाए, नई नई योजना बनाने का मौका मिलेगा, जीवन को कैसे आकर्षक बनाया जाए, व्यक्तित्व को कैसे आकर्षक बनाया जाए, ये सब भी आपके जीवन में आएगा। ये काम त्रिकोण राशि है तो इच्छाओं की प्रबलता भी ऐसी स्थितियों में देखी जाती है। ये काल पुरुष के 3रे नंबर की राशि है इसलिए टूर ट्रेवलिंग यात्रा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट परिवर्तन भी इसी से ही संभव है। यानी कहीं ना कहीं आपको अपने शुक्र को इन चीज़ों से जोड़ना है कि अगर पैसा कमाना है तो अब एक जगह बैठकर काम ना करें, इस दौरान अपॉर्चुनिटी ढूंढें बाहर से जुड़ने की, बाहर जाने की, विदेश जाने की या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, अपने आपके लोगों को दर्शाना प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तब जाकर ये सब चीज़ें संपन्न होती हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में काम करते हैं, टीचिंग का प्रोफेशन है, लोगों के बीच पब्लिक डीलिंग का प्रोफेशन है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब शुक्र के कारक भी हमको पता लग गए, बुध के कारक भी हमको पता लग गए, तो उन दोनों से जुड़ के ये फल देने वाला और इसका असर सभी राशियों पर होगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ इस दौरान शुक्र 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, इसको कहेंगे मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। यदि मित्रता के बारे में बात करें कि शुक्र मंगल से खास मित्रता नहीं रखता, शुक्र की राहु से बेहद मित्रता है। यानी अगर बीच के समय में देखें 28 दिन में अगर हम मध्य समय को निकालें तो ये ज़्यादा अच्छा जाएगा, बाद में वो बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा शुक्र, तो एक औसत रिजल्ट देगा। यानी शुरुआत कुछ धीमी हो सकती है लेकिन एंड में चलते चलते आपके लिए रिजल्ट बेहतर होगा। वो लोग जिनको शुक्र की महादशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, बुध की दशाएं चल रही हैं, जिनका जन्म
मंगल राहु बृहस्पति यानी वृषशिरा आद्रा पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है उन पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या करेंगे शुक्र मिथुन राशि में जाके, कैसा महसूस करते हैं, किन चीजों पे असर पड़ने वाला है, वो सब चीजें मैंने आपको बताई। किन लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव अन्य लोगों के राशि के मुकाबले पड़ेगा, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, शुक्र आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, उस चीज को अब हम यहाँ आपको विस्तार से बताने की प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं आपकी राशि यानी धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए धनु राशि के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति, उन्होंने हाल ही में एक राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव में वो आए, लेकिन शुरुआती तौर पर उन्हें राहु केतु वक्ष और शनि की दृष्टि का सामना करना पड़ा, जो आपकी लाइफ में ये दिखाता कि कहीं ना कहीं संघर्ष आपके जीवन में अभी भी चलता है। पहले साढ़े साथी आपने भोगी, फिर भी ये बृहस्पति का ट्रांजिट भी इतनी शुभ स्थिति देने के लिए अभी तैयार तो दिखाई नहीं दे रहा, पूरे मूड से नहीं ऐसा कह सकते। अब शुक्र को आपके लिए मित्र नहीं कहा गया, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के लिए मित्र है ही नहीं। शुक्र आपकी राशि से छठे और एकादश का मालिक है, ये दोनों ही स्थान कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नहीं माने जाते, और वो शुक्र यहाँ गया। सबसे पहली बात, रोग स्थान का मालिक यहाँ गया है, जीवन साथी को बीमारी की स्थिति दिखाई देती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्या दिखाई देती है, तो वहीं जीवन साथी के साथ मतभेद भी ऐसी स्थिति में होना संभव है, क्योंकि मंगल उसके साथ है पंचमेश है। तो बहुत बार क्या होता है, जिन लोगों को लव रिलेशनशिप चल रही होती है उनकी लव रिलेशनशिप्स में इस दौरान खटास आ जाती है, उनकी लव रिलेशनशिप्स में किसी ना किसी प्रकार का तनाव या परेशानी भी देखी जाती है। थोड़ा संबंधों को संभाल के चलने की जरूरत है, खास तौर पे 10 मई के बाद, क्योंकि 10 मई के बाद ये मंगल यहां से निकल के अष्टम में नीच के होंगे, पंचम का मालिक अष्टम में नीच का, यानी ये फिर से वो स्थिति है कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों के लिए स्थिति बहुत अच्छी शुभ नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पहले तो मंगल यहां बैठ के कुछ उस दूषित भी कर रहा था, फिर वही मंगल नीच का हो जाएगा अष्टम में। अब प्रेम संबंध और विवाह का बड़ा गहरा संबंध है, आज के समय में देखा जाए तो पहले के मुकाबले जो लव रिलेशनशिप का रेशियो है वो बहुत बढ़ गया, हर कोई कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में है, 100 में से 80 लोग ऐसे हो रहे हैं जिनका लव रिलेशनशिप चल रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, गहरे हो चुके हैं, और वही पंचम भाव से हम इमोशंस और रिलेशनशिप देखते हैं, उसका मालिक यहाँ नीच का हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भी कहीं ना कहीं आपको इस चीज का ध्यान देना, कि भी ये समय मेरे जीवन में मेरे वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंधों के लिए क्रिटिकल ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। बाकी शुक्र का कोई खास प्रॉब्लम देने का विषय आपके व्यापार या आपके नौकरी को लेकर नहीं है, आपके धन को लेकर नहीं है, यही दो कनेक्शन थे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके साथ आने की ज्यादा संभावना बनती है। तो ये था कि धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया।